पंजाब नेशनल बैंक के पीछे खवासपुरा में स्थित है, जो 1925 में स्थापित हुआ है। उस अखाड़े से तमाम प्रदेश और देश स्तर के पहलवान वहां पर पैदा हुए हैं। आज भी 500 बच्चे वहां प्रैक्टिस करते हैं। हमारे अखाड़े के बीच में जल निकासी हेतु एक नाला था, उस नाले के ऊपर एक लोग बीचों बीच में दीवार खड़ी कर दिए हैं, जिसकी वजह से सफाई नहीं हो पाती है, जिससे नाली का गंदा पानी पूरे अखाड़े में फैलता है, दुर्गंध फैली हुई है, लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। इसके संबंध में हमने कई बार नगर निगम में प्रार्थना पत्र दिया, नगर आयुक्त महोदय के द्वारा आदेश भी किया गया, लेकिन किन कारणों से मैं नहीं बता सकता हूँ कि आज तक वहाँ पर कोई जाँच करने नहीं गया और उसका समाधान नहीं हो पाया। मैं अक्टूबर माह से अप्लीकेशन बराबर दे रहा हूँ। एक बार अप्लीकेशन दिया था हमने इधर जनवरी में, तो नगर आयुक्त साहब ने अपर आयुक्त गुप्ता जी को स्पेशली उन्होंने उनको लिखा था कि आप इसको देख करके इसका समाधान करा दीजिए, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। तो जब बरसात हुई थी, पूरे बरसात का जो पानी नाले में आया, पूरा पानी अखाड़े के अंदर से बह रहा था, बच्चे वहाँ पर गए थे, कोई भी बच्चा प्रैक्टिस नहीं कर पाया। जो भी बच्चे वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका भविष्य अंधकारमय हो रहा है और उन भविष्य में वो वहाँ पर कोई प्रैक्टिस कर भी नहीं पाएंगे। हम ये चाहते हैं, नगर आयुक्त साहब से हमारी ये मांग है कि उस कार्य को स्वयं अपने स्तर पर देख करके उसका समाधान करवा दें। समस्या लगभग एक साल से बनी हुई है। हमारा नाम राम अजोर यादव। माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर हमने अपने अखाड़े में जो गंदगी मेरी हो रही है, उसके संबंध में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर लिखा है और उसकी कापी श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को भी उपलब्ध कराई है और उनसे अनुरोध किया था कि साहब, ये हमारे अखाड़े का मामला है और इसकी सफाई ना होने के कारण नाले की पूरा गंदा पानी हमारे अखाड़े में जाता है, जिसका समाधान आपके स्तर पर हम चाहते हैं कि हो जाए।